तो दोस्तों ये है असली मायने में मिनी फॉर्च्यूनर, ये है टोयोटा हाई राइडर ऑल व्हील ड्राइव। यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक भी आपको मिल जाता है, प्रॉपर ऑफ रोड यहाँ पे मोड्स अवेलेबल हैं बहुत ही कमाल के, एंड हमने इसकी ऑफ रोडिंग भी करी थी, तो आप एक छोटा सा ग्लिम्स देख सकते हैं ग्रैंड विटारा का यहाँ पे, और हाई राइडर जो कि एक सेम ही कार है। और यहाँ पे जो सस्पेंशन दिया गया बहुत ही हैवी ड्यूटी सस्पेंशन अवेलेबल है, आप कंप्लीट यहाँ पे इसे ऑफ रोड पे भी ले जा सकते हैं, सॉफ्ट रोड पे भी, ख़राब से ख़राब रास्ते में चला सकते हैं, लद्दाख आप इस गाड़ी को आराम से ले जा सकते हैं, इतनी कैपेबल है ये कार। एंड मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, एंड दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फटाफट से लाइक बटन को प्रेस कर दें। सो तो जैसे आपको की मिल जाती है, और यहाँ से हम इसे डिटैच कर सकते हैं कुछ ऐसे इन केस ऑफ एमरजेंसी। सो ये है गाड़ी की फ्रंट लुक, बहुत सारे यहाँ पे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ये वाइट एंड ब्लैक रूफ आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैक कलर अवेलेबल है, आपको रेड कलर भी मिल जाता है, सिल्वर कलर दिया गया है, देन यहाँ पे आपको ग्रे कलर भी मिल जाएगा, मल्टीपल कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, डुअल टोन फिनिश के साथ भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट में कुछ ऐसी ग्रिल मिलती है जिसमें इंटीग्रेटेड यहाँ पे कुछ ऐसे डे टाइम रनिंग लाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, डुअल फंक्शन दिए गए, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फिट एंड फिनिश है इसकी। यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको मिलेंगे, फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हाई बीम लो बीम दोनों LED में ही है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, सेंटर में कैमरा है, और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रे फिनिश। और ये है दोस्तों गाड़ी की साइड प्रोफाइल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट अपनी स्क्रीन के ऊपर डायमेंशन कंपैरिजन। और ये है बेसिकली नियो ड्राइव, यानी कि आपको फुल हाइब्रिड सिस्टम नहीं मिलता, यहाँ पे माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलता है जो कि है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, तो हॉल्ट पे आप आएंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और ये V मॉडल है, यानी कि हाई राइडर में आप देखेंगे तो ये टॉप एंड वेरिएंट है, लेकिन इसमें आपको ओवरऑल फीचर्स थोड़े से कम मिलते हैं बिकॉज ये फुल हाइब्रिड वाला नहीं है। जो फुल हाइब्रिड वाला मॉडल है उसमें फीचर्स आपको कुछ एडिशनल मिल जाते हैं। फटाफट से इसको ओपन करते हैं। तो इंजन की बात करें तो यहाँ पे 1.5 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, मैनुअल गियर बॉक्स अवेलेबल है यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव के साथ, एंड साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड एडिंग मटेरियल यूज़ करा गया है। यहाँ पे इंजन में काफ़ी अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है, यहाँ पे हीट इंसुलेटेड मटेरियल भी यूज़ करा गया, और इसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट आपको अंडर बॉडी इंजन गार्ड भी मिल जाता है जो कि ऑफ रोडिंग में भी काफ़ी काम का आता है। तो जब हम वाटर एक्यूमुलेटेड एरिया में, यानी कि जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ हो, वहाँ पे अगर हम गाड़ी को लेके जाते हैं तो जो वाटर का स्प्लैश है वो इंजन के मेन कंपोनेंट्स तक नहीं आता, और इसके अलावा भी जो रैट कैट हो गए या पिजन्स हो गए, छोटे एनिमल्स हो गए, वो अंदर इंजन में अंदर जल्दी एंटर नहीं कर पाते, और वायरिंग डैमेज होने से कुछ हद तक बच जाती है। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं 17 इंचेस के, जो कि बहुत ही बढ़िया लगते हैं। फ्रंट में डिस्क और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती है, और सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल भी अवेलेबल है बिकॉज ये ऑल व्हील ड्राइव मॉडल है, हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाता है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया गया, ABS विद EBD एंड एयरबैग्स, सारी फीचर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर का ORVM मिलेगा विद कैमरा, तो कैमरा दिया गया बिकॉज 360 कैमरा अवेलेबल है। रूफ आपको ब्लैक मिलती है, सारे पिलर्स यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे, इवन रूफ रेल्स भी ब्लैक फिनिश में। देन यहाँ पे विंडो फ्रेम के पास भी क्रोम फिनिश, और उसके अलावा यहाँ पे जो विंडोज़ है ये भी टिंटेड दी गई है, तो ये हीट एब्जॉर्बेंट है बेसिकली, जो UV रेज है उससे प्रोटेक्ट करती है, और जो अंदर कैबिन भी है वो कूल रहता है इन विंडोज़ की वजह से। साथ में एक शार्क फिन एंटीना दिया गया है, और साथ में यहाँ पे आपको एक सनरूफ भी मिल जाती है, तो स्लाइडिंग डुअल पैनल सनरूफ दी गई है जो कि काफ़ी वाइड ओपन हो जाती है। और नॉर्मल मॉडल्स में और इस ऑल व्हील ड्राइव मॉडल में एक डिफरेंस आपको मिलता है, वो ये कि यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव की आपको बैजिंग मिल जाती है, दोनों साइड दी गई है, इस साइड भी एंड उस साइड भी अवेलेबल है। और दोस्तों ये है रियर लुक, और हाई राइडर की रियर लुक भी आपको बहुत ही मॉडर्न मिलती है, बहुत ही स्लीक स्लीक एलिमेंट यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको किसी भी कार की सर्विस कॉस्ट चेक करनी है, हमारी वेबसाइट के ऊपर हर एक गाड़ी की एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट लिस्टेड है, वो भी 10 साल तक की, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो रियर में वाइपर दिया गया, डिफॉगर अवेलेबल है, एक स्पॉयलर भी आपको मिल जाता है, बहुत ही स्लीक यहाँ पे टेल लैम्प दिए गए हैं, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैम्प, साथ में यहाँ पे V मॉडल की बैजिंग, टॉप एंड मॉडल, नियो ड्राइव, और जितने भी यहाँ पे मॉडल्स हैं, जैसे अगर ये टॉप एंड मॉडल है तो नियो ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव जो है उसमें फीचर्स आपको थोड़े अलग मिलेंगे, जो यहाँ पे फुल हाइब्रिड है उसमें फीचर्स थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, और जो नॉर्मल है विदाउट ऑल व्हील ड्राइव जो सिर्फ नियो ड्राइव है उसमें फीचर्स आपको थोड़े से अलग मिलते हैं, तो जो हाइब्रिड है फुल हाइब्रिड उसमें फीचर्स ज़्यादा दिए गए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइसेंस प्लेट की लाइट हेलोजन में है, यहाँ पे कैमरा अवेलेबल है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल। और ये है दोस्तों टोटल बूट स्पेस, यहाँ पे चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स अवेलेबल हैं, रियर सीट्स में 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है, और स्पेयर टायर यहीं पे प्लेस्ड है जो कि स्टील व्हील है।
और आपको मैं साइज़ दिखाऊँ एक बारी, तो ये रहा साइज़ इसका। सो ये है 215/60 R17। और यहाँ पे कुछ स्पेस आपको मिल जाता है ऊपर की साइड, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, एक लैम्प, उस साइड आप देखेंगे तो वहाँ पे एक हुक आपको मिलेगा, नीचे की साइड कुछ स्पेस। और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो ये है इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस। तो आप नॉर्मल नियो ड्राइव लेंगे, यानी कि नॉर्मल जो स्मार्ट हाइब्रिड है वो आप लेंगे, या फिर आप ऑल व्हील ड्राइव के साथ लेंगे, या फिर आप हाइब्रिड लेना प्रेफर करेंगे, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड अब चेक करते हैं फटाफट से इंटीरियर्स। तो अब चेक करते हैं इंटीरियर्स। एंड ये आपको स्मॉल सी यहाँ पे की मिल जाती है लॉक एंड लॉक बटन के साथ। यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग ORVMs फ्रंट डोर में आपको दोनों जगह मिलता है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, स्मार्ट कीलेस एंट्री दी गई है। और इसी के साथ गाइस पार्क ऑन करते हैं। और ये है डैशबोर्ड की लुक। सो इंटीरियर्स में आप काफ़ी सारे टेक्सचर्स यूज़ करे गए हैं। आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश काफ़ी जगह मिल जाती है। यहाँ पे कंप्लीट आपको लेदर फिनिश मिल जाएगी। इवन एम्बियंट लाइट भी यहाँ पे अवेलेबल है ऑन फ्रंट फुटवेल। तो यहाँ पे फ्रंट फुटवेल पे एम्बियंट लाइट मिल जाती है। डैशबोर्ड पे यहाँ पे लाइट नहीं दी गई। और जैसी कार ऑन होती है तो आपको ये सराउंड व्यू मिल जाता है। इसे आप चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको सराउंडिंग्स का बता देता है कि आसपास क्या है गाड़ी आपके स्टार्ट करने से पहले, आगे पीछे करने से पहले। और ये है फ्रंट डोर की लुक। तो यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश दी गई है और बहुत ही अच्छी कुशनिंग यहाँ पे अवेलेबल है। पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल जाती है। ऑल फोर पावर विंडोज, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन, साथ में ऑटो अप। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्विटर्स अवेलेबल हैं, स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट। यहाँ पे जितने भी कंट्रोल है सिर्फ ये वाला कंट्रोल मिलता है एल्यूमिनेटेड। और इसके नीचे जो लैम्प है वो इस मॉडल में नहीं दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो हिल डिसेंट कंट्रोल को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से अगेन जो व्यू दिखाया था आपको पहले मैंने, उसको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और ये है हेडलैम्प लेवलर। तो कुछ ऐसा आपको व्यू मिल जाएगा। दोबारा आप सेकेंड टाइम क्लिक करते हैं, ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर अवेलेबल है। तीनों स्विचेस एल्यूमिनेटेड है। और ये है फ्रंट सीट्स की लुक। फ्रंट सीट्स आपको मिलती है हाइट एडजस्टमेंट के साथ, क्लच फुटरेस्ट दिया गया है, लेदर सीट अपहोल्स्ट्री अवेलेबल है। एंड अंदर जाके अभी आपको सनरूफ भी दिखाता हूँ मैं। इसको पहले बंद कर लेते हैं। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी मल्टीपल यहाँ पे लेयर्स एंड टेक्सचर्स, लेदर कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, ये सब यूज़ करा गया है यहाँ पे। और ये है पैनोरामिक सनरूफ। तो ये इतनी ओपन हो जाती है जो कि बहुत ही वाइड है। आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए यहाँ तक, तो इस सीट से भी यहाँ तक पीछे ओपन हो जाती है। तो रियर जो बैठे हैं उनको तो बहुत ही बढ़िया व्यू मिलने वाला है सनरूफ के साथ। और इसी के साथ यहाँ पे सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है विच इज़ एडजस्टेबल। यहाँ पे कुशन दिया गया प्रॉपर। और यहाँ पे आप हाथ रख के आराम से गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं, जो सबसे अच्छी बात है। तो हाईवेज पे आप ड्राइव कर रहे हैं, क्रूज पे आप ड्राइव कर रहे हैं, आराम से यहाँ पे आप हाथ रख सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल आर्मरेस्ट है। कुछ इतना स्टोरेज एरिया मिलता है लिमिटेड सा। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लाया हूँ इस गर्मी वाले सीजन में। तो ये है इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट का वर्जिन आइलैंड परफ्यूम। इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फ्रेगनेंस है। सिंपली आपको टैग को ऐसे हैंग करना है, यहाँ पे आप 2 से 3 स्प्रे करेंगे तो इंस्टेंट यहाँ पे आपको एक रिलैक्सिंग, एक बहुत ही सूदिंग फ्रेगनेंस मिलती है। अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, ये मस्ट हैव परफ्यूम है। सुपर वैल्यू फॉर मनी, हाई क्वालिटी ऑयल्स को यहाँ पे ब्लेंड करा गया है। अभी अभी विजिट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया involveyoursenses.com का, वहाँ पे आप टीम कार्डियोलाइट का कूपन कोड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर स्पेस मिल जाएगा। और ये है 4-व्हील ड्राइव के लिए। तो बहुत सारे यहाँ पे मोड्स हैं, यहाँ पे रियर डिफरेंशियल लॉक भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे स्पोर्ट मोड, स्नो मोड, ऑटो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है, आप चाहे तो वायरलेस चार्जर कंपनी एंड से, डीलर एंड से इंस्टॉल करवा सकते हैं। 12 वोल्ट का आपको एक सॉकेट मिलेगा, एक USB पोर्ट मिलेगा। यहाँ पे रिवर्स गियर लगाएं तो ये है कैमरा का डिस्प्ले, 360 डिग्री आपको कैमरा मिल जाता है। और कैमरे की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। और जो गाइडलाइंस है वो अडेप्टिव है, तो कैमरा आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक AC,
और ये है 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 4 स्पीकर्स, 2 फ्रंट वेटर्स, और यहाँ पे आपको आर्कमीज का साउंड भी मिलता है। तो 3 साउंड के ऑप्शन है, डायनामिक एंड एकोस्टिक बेस्ट है। और यहाँ पे माइलेज वगैरह भी शो होती है, बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है, बहुत ही स्लिक, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली डिस्प्ले दिया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन शो होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी फ्लो, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्यूल, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वो भी डेप्थ में। जैसे आप एवरेज स्पीड का इन डेप्थ देखना चाहते हैं तो सारी यहाँ पे हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। एम्बिएंट लाइट को हम यहाँ पे ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं हम। और इसके अलावा यहाँ पे एनर्जी फ्लो, यहाँ पे डैशबोर्ड जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखाया, और इसके अलावा गाइज यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, इकोनॉमी, कंफर्ट, स्टैंडर्ड। यहाँ पे वार्निंग्स डिस्प्ले होती है, अलर्ट्स डिस्प्ले होते हैं, कुछ आपको यहाँ पे बेसिक सेटिंग मिल जाती है, और वॉइस कमांड कंट्रोल भी अवेलेबल है। साथ में यहाँ पे आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया गया है विद एल्यूमिनेशन, तो ये यहाँ पे एक लाइट भी अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक वैनिटी मिरर विद लैम्प, ऑटो डिमिंग, आईआर वीएम दिया गया है, देन एक सनग्लास होल्डर, और 2 फ्रंट में हेलोजन लैम्प्स। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक मिरर आपको मिलेगा विद लैम्प। इसी के साथ ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो हेडजप डिस्प्ले हो गया या फिर डिजिटल क्लस्टर हो गया, वायरलेस चार्जर हो गया, तो वो सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते। तो ये है स्टीयरिंग व्हील के लुक, तो लेदर अप स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड एडजस्टमेंट भी दी गई है, तो टिल्ट एडजस्टमेंट, टेलीस्कोपिक दोनों ही अवेलेबल है। स्टीयरिंग व्हील की पोजिशनिंग भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल, और ये हैं क्रूज कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको कुछ वाइपर कंट्रोल मिल जाएंगे, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे क्लस्टर मिलेगा जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है, आउटसाइड टेम्परेचर, क्लॉक डिस्प्ले होगी, डिफरेंशियल लॉक है तो वो दिखा रहा है, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, डुअल ट्रिप मीटर, यहाँ पे कितना फ्यूल आपने सेव करा, इंजन रनिंग टाइम क्या है, साथ में डेट, क्लॉक, रियल टाइम पावर एंड टॉक फिगर्स, एक्सेलरेशन, ब्रेक, कितनी ज़्यादा हैवी हम कर रहे हैं तो वो सब यहाँ पे शो होता है। साथ में यहाँ पे बैटरी कितनी चार्ज है, यहाँ पे इंजन से डायरेक्ट चल रही है गाड़ी या फिर बैटरी से चल रही है, तो वो सब भी यहाँ पे शो होता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज स्पीड, इंजन रनिंग टाइम, एंडलेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी डोर ओपन होगा आपको वार्निंग मिलेगी, यहाँ पे बोनेट ओपन होता है उसकी भी वार्निंग मिलती है, टेल गेट ओपन होता है उसकी भी वार्निंग आपको मिल जाती है। और अब चेक करते हैं रियर सीट्स, सो ये है रियर डोर की लुक। स्पीकर अवेलेबल है, बॉटल होल्डर यहाँ पे कंप्लीट, लेदर कुशन फिनिश आपको मिलेगी, पियानो ब्लैक फिनिश, और ये है रियर सीट्स। तो 3 यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है, सेंटर में एक आर्मरेस्ट भी दी गई है 2 कप होल्डर के साथ। आर्मरेस्ट आपको यूज़ नहीं करनी है, एंड जैसे गाड़ी में पीछे बच्चे बैठे होते हैं तो वो आर्मरेस्ट बार बार छेड़ते हैं, बार बार निकालते हैं, तो आप इसको, इस हुक को यहाँ पे पीछे फिक्स कर सकते हैं उधर, तो आर्मरेस्ट जो है वो लॉक हो जाएगी। तो ये भी एक कुछ थॉटफुल फीचर दिया गया फर्स्ट टाइम, जो कि जनरली गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे पॉकेट दी गई है, यहाँ पे पॉकेट भी है, दोनों जगह पॉकेट है। और यहाँ पे रियर एसी वेंट मिल जाता है, नीचे की तरफ देखेंगे तो एक ए टाइप यूएसबी पोर्ट और ये रहा एक सी टाइप यूएसबी पोर्ट, मोबाइल पॉकेट भी है। इसको एक बार बंद कर लेता हूँ मैं, और इधर देखते हैं तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल कोट हैंगर के साथ, यहाँ पे एक लाइट हैलोजन में, यहाँ पे ग्रैब हैंडल लेकिन कोट हैंगर नहीं है, लेकिन लाइट है दोस्तों। और ये है हमारी फेवरेट सनरूफ, बहुत ही बिग साइज़ की। और ये है दोस्तों डैशबोर्ड की लुक, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सीट बेल्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट फटाफट से दोस्तों ज़रूर विजिट करें, बहुत सारी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, कोई भी आपके डाउट्स है फटाफट से जाके पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में।